नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। नए सीएम चंपई सोरेन ने किसी भी हालत में अपराध मुक्त झारखंड बनाने पर फोकस करने का निर्देश डीजीपी अजय कुमार सिंह को दिया है। वहीं हत्या, महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों का अविलंब खुलासा करने पर जोर किया। जेल के अंदर से अपराध संचालित करने वाले छोटे बड़े गुंडों पर हर हाल में लगाम लगाने को कहा। सीएम चंपई सोरेन बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए इसे रोकने पर गंभीर दिखे। JSSC में तोड़फोड़ करने वाले मामले पर SIT गठन करने का निर्देश दिया। बहुत जल्द सीएम चंपई सोरेन मुख्य सचिव, DGP एवं सभी DC, SSP एवं SP के साथ बैठक करेंगे। हैदराबाद शिफ्ट हुए महागठबंधन के विधायकों की आज रात राजधानी रांची लौट आने की पूरी संभावना है। सूत्रों के अनुसार सभी विधायक हैदराबाद से उड़ान भर चुके हैं। रात 8:30 बजे के बाद कभी भी रांची पहुंच सकते हैं। झामुमो के दिग्गज नेता चंपई सोरेन के CM पद पर शपथ लेने के बाद इन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। टूट फूट के डर से गठबंधन के विधायकों को एक ही जगह रखना बेहतर समझा गया। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इस चलते विधायकों को हैदराबाद भेजना बेहतर समझा गया। कल यानी 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना तय है। इसमें सीएम चंपई सोरेन को बहुमत हासिल करना होगा। प्लास्टिक में लपेट कर एक नवजात को मंदया नदी के किनारे शमशान घाट में फेंक दिया गया। इस बात का शोर मचाने पर आसपास से जुटे लोगों ने इस बारे में समाज सेवी अरविंद गुप्ता को बताया। कुछ लोगों की मदद से इस नवजात बच्ची को घाट में दफन कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने अपने पाप को छुपाने के इरादे से ये गंदा काम किया है। ये मानवता को कलंकित करने वाली घटना पलामू के छतरपुर की है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी, ये 9 मार्च तक चलेंगी। इस बार हाई स्कूल से 29,47,325 एवं इंटर में 25,77,965 यानी कुल 55,25,290 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं पूरे टेस्ट में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कदाचार और शांत माहौल में परीक्षा कराने को लेकर हर केंद्र में मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी LIU को दी गई है। परीक्षा में नकल को रोकने के लिहाज से परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लगाने की तैयारी है। पलामू के पड़वा कारीखास कौआ के पास हाईवे पर जाती एक होंडा कार पेड़ से जा टकराई। इसमें कार चालक प्रकाश सिंह और बगल की सीट पर बैठे अमित सिंह एवं पीछे सीट पर बैठे अरविंद यादव जख्मी हो गए। इन्हें मेदिनीनगर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार भंडारा भीखी के कजरी की तरफ लौट रही थी। रास्ते में ही गाड़ी खास कौआ के पास चालक का बैलेंस बिगड़ गया और कार पोल से टकराते हुए एक पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद आसपास से जुटे लोगों ने कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल उन्हें हॉस्पिटल भेजा। हवाई जहाज रिपेयर करते समय हुए एक हादसे में एयरफोर्स जवान हरवीर सिंह की जान चली गई। लगभग 25 साल का हरवीर सिंह मथुरा का रहने वाला था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हरवीर हैदराबाद हकीम पेट में तैनात था। साल 2017 में वायुसेना में CPL के पद पर हरवीर की बहाली हुई थी। वो अपनी पत्नी और बेटे लवेश के साथ हैदराबाद में ही रहता था। उसकी मौत की खबर ने उसके पूरे घर को हिला कर रख दी। घर में चीख पुकार मच गई। हरवीर की माँ बुड्डी देवी ने मीडिया को बताया कि अगले 6 रोज बाद इकलौता बेटा हरवीर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर आने वाला था। हर कोई पलकी बिछाए बैठा था, पर वो तो नहीं आया। मनहूस खबर आ गई। राजधानी रांची में आज अच्छी धूप खिली हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक राज्य में बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से पारा गिर सकता है। इस दौरान राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख जाएगा, जिससे राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की संभावना है। बारिश के साथ उत्तरी हिस्से में गर्जन की भी संभावना है। कल देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, गोड्डा में बारिश हो सकती है, जबकि 6 फरवरी को राज्य के दक्षिण और मध्य भाग जैसे सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, खूंटी में बारिश की संभावना है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।